रक्षाबंधन में भाई लोग गिफ्ट देते हैं तो बेचारी बहन दे रही है सब। एक पिज्जा हमें दे दो, एक पिज्जा का पीस दोगे? तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मतलब अभी यहाँ भाभी के यहाँ हैं, फिर जाएंगे छोटी भाभी के यहाँ, यानी जहाँ पर हमारी मम्मी रहती हैं, फिर उसके बाद जाएंगे मार्केट, है ना एनी? एनी भी जा रही है मार्केट। एनी हर बार जरूर जाती हैं, अपनी जुगाड़ में जाती हैं वो, कि कुछ मुझे भी दिला दिया जाएगा, कुछ मुझे भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन बेचारी खाली यहाँ पर आती है, सबके गिफ्ट आ रहे हैं उसी के नहीं आ रहे हैं बेचारी के, बोलिए। अब दिखाओ अपनी हेयर स्टाइल, दिखाओ पीछे से, ये देखो हेयर स्टाइल इसकी, बड़ी खोपड़ी ने की इसकी हेयर स्टाइल, एक मिनट एक मिनट, और ये हेयर स्टाइलिस्ट ठीक है, हेयर स्टाइल दिखाओ अपनी पीछे, हेयर स्टाइल कितनी अच्छी हेयर स्टाइल बन रही है। चलिए तैयार हो गई भाभी, भाभी भी तैयार हो गई है, शॉपिंग कराएंगी भाभी, भाभी ने शॉपिंग करा दी है, अभी और कराएंगी क्या? तो चलते हैं मार्केट, चलिए ये। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग पर, अब कुछ शॉपिंग भी कर ली जाए। तो जी हाँ, इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग। एक्चुअली शॉपिंग तो बहुत सारी हुई है और अलग अलग टाइम पर जाकर मैंने की है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार में शॉपिंग नहीं होती है, तो बस। लेकिन मैंने एक ही ब्लॉग में अलग अलग टाइम पर थोड़ा थोड़ा सी क्लिप आप मैं यहाँ जो शूट की थी वो डाल दी है इसमें। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मार्केट, मैं हूँ, अम्मी हैं और भाभी हैं। तो आपको पता है काफ़ी टाइम से मैंने शॉपिंग नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो वहाँ चल रहे हैं घर पर अपने, तो वहीं से शॉपिंग कर लेंगे। क्योंकि जो मेरी अम्मी का जो ड्रेसिंग सेंस है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने शुरू से ही उनके पसंद के कपड़े पहने हैं। उनका जो ड्रेस लेने का तरीका है, मतलब कपड़े को देख के और डिजाइन और बाकी सारा, मतलब कॉस्ट वगैरह भी ठीक ठाक, मतलब बार्गेनिंग कर लेती हैं। तो और ड्रेसिंग सेंस तो जो है ना उनका बहुत ही बढ़िया है, तो मुझे तो अम्मी के पसंद के कपड़े पसंद आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर ली है और अलग अलग टाइम पर हम लोगों ने जाके की है, दो तीन बार में जाके शॉपिंग की है। तो यहाँ पर बस बिल पे कर रहे हैं, और बाजी मेरी बाद में आई थी तो उनके साथ भी गए थे, चूड़ियों की भी शॉपिंग की है हम लोगों ने इस बार, क्योंकि आपको पता है मैं चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, मतलब पार्टी वगैरह में के लिए ही मैं शॉपिंग करती हूँ, वरना ऐसे नहीं करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने चूड़ियों की भी शॉपिंग की है, अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है। अच्छी लगी चप्पल? मम्मा तो बोल रही बड़ी हैं, मम्मा नहीं बोल रही, दादी बोल रही बड़ी हैं, थोड़ी बड़ी हैं सर, कैसी है ऐसे ऐसे ऊपर कर, जितनी बार ले हो उतनी बार बोल रहा था वो, हमारी चप्पल लाई लाल कलर की लाना, लाल कलर की आ गई, सही है सर्दियों के लिए भी, वैसे पैर कवर रहेगा, पसंद आई चप्पल? चलो बढ़िया, पसंद आपको जो पसंद है आपको सो जाओगे। अच्छा ये अर्शद का है, देखो सबके नाम लिखे हैं, अर्शद अर्शद लिख दिया, अर्शद थैंक यू, ये अयान का गिफ्ट है, ये रेहान का गिफ्ट है, ठीक है भी है, लो हमारा भी गिफ्ट है, ये हमारा गिफ्ट है, देखो ये इसमें लिखा है आप ही, ये बड़ी अप्पी का गिफ्ट है, ओहो क्या रखो लो, अपनी मम्मा से खुलवाना, अपन दोनों से एक सी खुलनी है, क्या कह रहे हैं, अपनी मम्मा से खुलवाना, खोल के नहीं मिल रहा, सबकी मम्मा ओपन करेंगे, अरशद तुम अपना खोलो ना,
पर्पल है और हमारा रेड है। हम ओपन नहीं कर रहे, घर पे ही करेंगे, क्यों फालतू में है ना ले जाने। हम हेल्प करें बड़ी नरेंद्र का लिए लाएंगे। भाभी ये बाजी का सूट है, अब हमने अपना सूट पैक कर लिया है, वो हम अपना घर पे दिखा देंगे आप लोगों को। जाओ फो, इसमें कितना वो है, वो निकल पिज़्ज़ा खाते रहो बेचारा है, ऐसा खुश हो रहा हो तो जैसे सही में खाने को मिल गया हो। खाने वाला नहीं है वो, बनाने वाला पिज्जा है। देखो इसमें देखिए, पिज्जा भी है, ये बर्गर है, और ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, ये टमाटो सॉस है, केचप भी है इसमें, है ना। चल एक पिज्जा हमें दे दो, एक पिज्जा का पीस दोगे? हाँ एक हमें दे दो, एक कोल्ड ड्रिंक गिर गई, एक पिज्जा मुझे दे दो प्लीज। कोई चम्मच लेगा तो ये हम खाएंगे पिज्जा, लेगा ये लो आप खाओ, अच्छा पिज्जा खाओ, आहा पिज्जा बर्गर खाऊंगी मैं, बर्गर काटूंगा एनी की तरफ से, तौफिक भाई को और सोएब भाई को एनी की तरफ से। ओपन करेंगे आप लोग अभी और क्या, हमें तो गिफ्ट मिलता है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता ये, लगता कब ओपन करें, कब देख क्या इस बेचारी अबला नारी का गिफ्ट नहीं आया है। अब वो सबला बना के दिखाएगी ये 88। तो आपको अपना गिफ्ट पसंद आया है? 88 बहुत पसंद आया है। चलिए अच्छा गिफ्ट तक वो बोल रहे हैं ना, बहुत पसंद आया है। पसंद नहीं आई तो हम चेंज कर नहीं है, कलर सर ही बहुत पसंद है। एनी की पसंद है, सब थैंक यू बोल दो एनी को, थैंक यू एनी को मिला है, थैंक यू सबको मिले हैं गिफ्ट और एनी को मिला है थैंक यू। सबके लिए ये कॉपर में वैसे में है, कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी? दोनों अच्छी हैं। चलो बढ़िया, हमने कह दिया था तौफीक की, आपको तो आपको कैसा पसंद आया है, तो एनी को थैंक यू बोल दीजिए, एनी को थैंक यू दे दीजिए। देख यहाँ पे देखो, नहीं यहाँ पर गलत हो रहा है, रक्षाबंधन में भाई लोग गिफ्ट देते हैं तो बेचारी बहन दे रही है सबको गिफ्ट, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। भगवान नहीं खोल पा रहा था, देखा दिखाइए मान की अलग है, सरफराज की अमान की एक सी है, कलर में फर्क होगा। ये देखो क्या बोल रही है, तुम यार सबको दे देना, बाजार में हमको अच्छी लग रही, दिखाओ अपनी तीनों बताओ अपनी घड़ी, तीनों बताओ अपनी। चलो इन दोनों ने बांध ली है, तो मैंने जैसा कि बताया कि अलग अलग दिन का एक क्लिप है, तो भाभी एक दिन शॉपिंग पर गई थी तो सारे बच्चों के लिए एक गिफ्ट्स लेके आई थी, और ये सब बच्चों को काफ़ी पसंद आए थे गिफ्ट, बस ये अयान है जो छोटी वाली भाभी का बड़ा वाला बेटा, उसको पसंद नहीं आया था क्योंकि उसने बिट्टू का गिफ्ट देख लिया। बच्चों को लगता है ना एक बच्चे का जैसा हो तो मुझे भी वैसा ही चाहिए, तो बिट्टू का पियानो देख लिया था तो बोला था मुझे भी यही चाहिए, तो भाभी चेंज करके उसके लिए पियानो लाई, और सब बच्चे काफ़ी खुश थे केवल एनी को छोड़ के, क्योंकि एनी की मम्मा ने अभी एनी को गिफ्ट नहीं दिलाया, क्योंकि लड़कियां तो देखिए स्पेशल होती हैं, तो बोल रही थी कि आराम से दिलाएंगे उसको। और देखिए मैंने आपको वीडियो में वही दिखाया, ओरिजिनल वॉइस दिखाई है जो हमारे घर पे होता है, हुआ है वही दिखाया है, ऐसा नहीं वीडियो के लिए मैंने कुछ अलग से शूट किया है तो ऐसा नहीं है, जो ओरिजिनल था वही ही दिखाया है। आई थिंक आप समझ सकते होंगे और आप समझेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो रियल है वही दिखाया है यहाँ पर।
हो गया है, इनका गिफ्ट ओपन हो गया है। और हाँ, मैं ये बता दूँ, ये मैं अपने घर पे आ गई हूँ, तो अपने मैं गिफ्ट जो जो मुझे मिले हैं प्रॉपर इसका अच्छे से वीडियो बना के आपको बताऊँगी कि क्या मिला है मुझे गिफ्ट मायके से। मतलब क्या क्या दिया है, भाभी ने क्या दिया है, अम्मी ने क्या दिया है। और हाँ, ये मतलब मैं आ गई हूँ, एक दो दिन हो गया है मुझे आए हुए, लेकिन क्या है, वहाँ के वीडियो पड़े थे, मैंने कहा एडिट करके डाल दूँ, फिर एक दो और पड़े हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता ज़्यादा मतलब पुराने वीडियो अपलोड करने में। तो बस अभी दो तीन दिन ही हुए हैं वहाँ से आए हुए, तो बस उसको मैं कर दूँ एडिट और आप तक पहुँचा दूँ, फिर यहाँ के मेरे रूटीन के वीडियो जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, और छोटे भाई मेरे यहाँ पर बच्चों के लिए चाउमीन डोसा वगैरह ले आए हैं, तो वही हम लगा रहे हैं, और अब यहीं पर रुकेंगे हम लोग। मतलब यहाँ पर ही रहते हैं हम लोग, क्या है, हमारा बचपन इसी घर में गुजरा है, तो हम लोगों को तो यहीं पसंद आता है। लेकिन वहाँ पर यानी भाभी बोलती हैं कि चलो चलो चलो, तो बस वहाँ भी जाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को एक्चुअली में जो है ना यहीं पर मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग 7th-8th क्लास से यहीं इसी घर में रहे हैं, और सारी यादें हम लोगों की इसी घर में हैं। और तो बस वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।